हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कलरफुल खाना। तो ये रंग बिरंगा खाना किसे पसंद है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो रंग बिरंगा खाना बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गाजर लिया है, उसे छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है। थोड़ा सा बीन्स है, उसे भी छोटे कट कर लिया है। बीटरूट को स्लाइस कट कर लिया है मैंने। और कैप्सिकम है, कैप्सिकम दो तीन कलर में आते हैं, आप वो सबको भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा काजू है और थोड़ा सा मटर है, आप अपने अनुसार जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं उसे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और राइस को मैंने पहले से बना के रख लिया है, आप चाहें तो बचे हुए राइस का भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई को रखा है। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी में कंजूसी ना करें, क्योंकि घी से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आता है, और घी हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, अगर आप लोग घी नहीं खाते हैं तो इसे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो 1 छोटा चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। 1 से 2 मिनट रहने देंगे, उसके बाद थोड़ा सा करी का पत्ता डालेंगे। करी का पत्ता आप लोग को नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब जो वेजिटेबल्स को मैं काट के रखी थी वो डालूंगी। तो सबसे पहले गाजर डालूंगी। गाजर को मैं यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब में कट करके रखा है, आप कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं। गाजर के साथ बीन्स को भी डाल दिए, दोनों को साथ में ही फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च को मैं कट करके डाल दूंगी। अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हैं या फिर बच्चे को खिलाना हो तो आप मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। मिर्ची के साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा ही कट की हूँ, क्योंकि बनने के बाद बीन्स और मिर्ची दोनों सेम ही लगेगा, इसलिए मिर्ची का साइज को मैं बड़ा रखी हूँ। अब इन सभी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें फ्रोजन मटर डाल देंगे, आप चाहें तो फ्रेश मटर का भी यूज कर सकते हैं। इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम को मैं मीडियम पे ही रखी हूँ। अब इसमें कटा हुआ कैप्सिकम भी डाल देंगे। और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। और अब इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक को कट करके भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। बट कभी कभी खाने के टाइम मेरे मुंह में आता है तो मुझे वो पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं इसका पेस्ट को डाली हूँ। और अब इसमें थोड़ा सा काजू को भी डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा का पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे बीटरूट जो मैंने स्लाइस करके रखा था वो डाल देंगे। थोड़ा सा बीटरूट को मैं साइड में रखूंगी उसे गार्निश करने के लिए, थोड़ा सा मैंने रख लिया है। और अब इसे भी अच्छे से भून लेंगे, 1 से 2 मिनट ही भूनना है। और अब इसमें बना हुआ राइस को मैं डाल दूंगी। आपके पास पहले से बना हुआ राइस है या फिर बचा हुआ राइस है तो वो भी डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो राइस का क्वांटिटी मुझे कम लगा तो मैं और भी डाल दी, बट वो वीडियो में नहीं आ पाया, इसके लिए सॉरी। और इसे भी अच्छे से मिला लूँगी। ये काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी टेस्टी है, इसे आप लंच में भी लेके जा सकते हैं ऑफिस में, और बच्चे को भी दे सकते हैं, कभी भी किसी टाइम भी ये खा सकते हैं, काफ़ी इजी टू ईट है।
तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे कि मोटिवेशन मिले। गैस का फ्लेम को हाई करके राइस को अच्छे से और फ्राई करेंगे, जिससे कि थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आए। और अब इसमें स्लाइस किया हुआ बीटरूट को ऊपर से डाल देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट कढ़ाई में डालें या फिर प्लेट में निकाल के भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा मैं नमक टेस्ट कर लेती हूँ। नमक मुझे यहाँ पे कम लगा है, तो नमक मैं और ऐड ऑन करूँगी। एक बार में नमक ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो अगर नमक का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। मेरा कलरफुल हेल्दी राइस बनके रेडी हो गया। मैं इसे निकाल के खाती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय करिए और इसे भी एक बार ज़रूर से आप लोग बना के ट्राई करिए। ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।